प्रदेश के मैनपुरी में एक गांव ऐसा भी है जहां मुर्दों के साथ इंसान भी रहते हैं। मुर्दों के साथ रहना इन लोगों का शौक नहीं बल्कि मजबूरी है, जिसे शासन प्रशासन और यहां की सरकार ने समझना और उनकी मजबूरी को सुलझाना उचित नहीं समझा। यह दर्द भरी दास्तां मैनपुरी की करहल तहसील क्षेत्र में लगने वाले ग्राम मोहब्बतपुर की है, जहां गांव में सभी जाति के लोग निवास कर रहे हैं। इस गांव की बात करें तो करीब 200 से 250 परिवार मुस्लिम समुदाय से आते हैं। ये लोग मजदूरी के अलावा भीख मांगकर अपने परिवार का गुजर बसर कर रहे हैं। इस जाति के लोगों के पास गांव में किसी प्रकार की कोई भी जमीन ना तो ग्राम प्रधान ने आवंटित की है और ना ही क्षेत्रीय जनजातियों की ने उनकी किसी भी समस्या का समाधान किया है, जिसके चलते आज यहाँ इस गाँव के बाशिंदे अचल संपत्ति के कोसों दूर है। इनके पास किसी भी परिवार में एक भी बीघा जमीन नहीं है। पिछले कई वर्षों से इंसान अपनों की कब्रें अपने ही घर आंगन में खोदने को मजबूर हैं। लाख कोशिशों के बावजूद भी इस गांव में एक भी कब्रिस्तान नहीं है और ना ही इस गांव में रह रहे लोगों के पास खुद की अपनी जमीनें हैं जिसमें से ये लोग अपनी ही कब्रें खोद सके। आखिर ये शर्म की बात है कि जहाँ हम 21वीं सदी में जाने की और गाँव विकास की बात करते हैं, वहाँ पर आज भी मुर्दा हो चुके इंसानों के लिए कोई जगह नहीं है। इस खबर को देखने के बाद या इसका संज्ञान लेने के बाद यहाँ की सरकार और जिला प्रशासन इसकी समस्याओं का किस तरीके से समाधान निकालेगा है देखने वाली बात होगी। क्या नाम है आपका? वाह परवेश अली है साहब। परवेश कौन सी गांव में रहते हैं? मोहब्बतपुर। मोहब्बतपुर में ये आपके ठीक पीछे ये क्या है? हमारा मकान है और कब्रिस्तान पर यहीं पे लगाते हैं साहब। हाँ जगह है, घेर पड़ा हुआ है मकान के सामने। हाँ हाँ, तो ऐसा क्यों, कोई कब्रिस्तान नहीं है क्या? नहीं है साहब, जगह है ही नहीं साहब। ये कितनी कब्रें हैं ये यहाँ पे? कम से कम 15-20 कब्रें इतनी जगह में। अच्छा, ये किस किस की है? हमारी ताऊ जी की, हमारी प्रखंड की, सब लोगों ने, हमारे पिताजी की। ये तो अभी हाल ही में? हाँ, हमारे पिताजी की है दोनों जनों। ये कब खत्म हुई? अभी एक महीना हुआ साहब। अच्छा, तो आपने अपने आंगन में? आंगन में लगा दी साहब, जगह ही नहीं है साहब। कोई मांग किया कोई प्रशासन से? किया था, कोई सुनवाई नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव अली है। कौन से गांव में रहते हैं? लखनी मोहब्बतपुर में। आपके ठीक पीछे ये क्या बना हुआ है? ये कब्रिस्तान है हमारे घर में। आपके घर में ही कब्रिस्तान? हमारे घर में कब्रिस्तान है। ये किन किन की कब्र? ये हमारे दादाजी के पिताजी की कब्रें हैं। दो लोगों की एक ही साथ है। आप ही के घर में? हमारे घर में। ऐसा क्यों? हमारे पास जगह नहीं है इसीलिए। अच्छा जी, तो आपने कभी शासन प्रशासन को अवगत कराया कि जगह उपलब्ध कराई जाए? कराया था साहब। हाँ। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ये कितनी साल पुरानी कब्र है? ये हो गई साहब 20 साल से कुछ ऊपर ही है। 20 साल। इस गांव में कुल कितने घर हैं? जो इसमें लोग टोटल 200-250 लोग हैं लगभग इस गांव में। जी जी, लेकिन कब्रिस्तान नहीं? कब्रिस्तान नहीं है हमारे पास। तो क्या क्या समस्या होती है? क्या सभी लोग अपने घर में ही कब्र खुदवाते हैं? सब लोगों का है ही यही जगह जो हम लोग अपने घर में लगाते हैं चबूतरे पे, ये हमारा जगह, ये यहीं लगाते हैं और कोई जगह ही नहीं है हमारे पास। क्या नाम बाबू जी आपका? शब्बीर अली। शब्बीर कौन से गाँव में रहते हो? मोहब्बतपुर में। लेकिन जहाँ आप बैठे हो ये क्या है? ये कब्र है। किसकी? ये हमारी दादी की। ऐसा क्यों, ये तो मकान के ठीक सामने कब्र आपने खोद दिया? साहब जगह ही नहीं थी पहले तो। क्या किस पूरी गांव में नहीं है? कब? पूरी गांव में नहीं है। सब आप अपने अपने घर पे ही खोदते हो क्या? ऐसा ही है साहब। नहीं साहब, कैसे कहते हैं, जगह ही नहीं। जब जब कोई खत्म हो जाता है तो उनको कहाँ लगाते हो? तो ऐसी ही व्यवस्था बनाते साहब। कैसी? देख के जगह 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 देख के तो वही लगा देते। कहाँ पे जगह देखते हो? तो देखते हो या घर के बाहर देखते हो? घर के बाहर जहाँ अपनी जगह पड़ी हुई है वहाँ पे। तो यह पूरे गांव का यही हाल है क्या? यही हाल। कोई कब्रिस्तान नहीं है? कोई कब्रिस्तान नहीं। क्या नाम है आपका? जलालुद्दीन। जलालुद्दीन जी कहाँ रहते हैं? मोहब्बतपुर में। क्या समस्या? क्या मोहब्बतपुर? समस्या सर ये है कि हम लोगों के पास कब्रिस्तान के लिए कोई जगह उपलब्ध नहीं है अब तक, और हम लोग जो है अपने अपने दरवाजों के सामने अपनी अपनी सुविधा के अनुसार अपनी अपनी जगह पर लगा लेते हैं। जहाँ जिसको जिस तरह की जगह मिलती है वहाँ हम लोग अपना अपना लगा लेते हैं, अपने अपने मुर्दे, अपने पूर्वज, अपने बाल बच्चों को। लेकिन लिखित में सरकार द्वारा अब तक कोई कब्रिस्तान हम लोगों के पास नहीं है। घर में लोग लगा लेते? हाँ हाँ, घर में जब जगह नहीं है तो लोग घर में भी लगा लेते हैं सर। घर में मतलब कब्र पहले दरवाजे पे चबूतरे पे थी, बाद में आबादी बढ़ने से किसी ने अपना बरांडा बना लिया या किसी छप्पर रख लिया, किसी टी रख लिया तो वो अंदर चली गई।
अब जगह ही नहीं है, जगह उतनी है, जहाँ जिसको जगह मिलती है वहाँ लगा लेता है। किसी ने अपने घेर बना रखा है तो उस घेर में लगा लेते हैं, किसी के पास खुली जगह है तो खुली जगह में लगा रहे हैं, लेकिन कोई लिखित में अब तक कब्रिस्तान। कब्रें कहाँ पे हैं, घर में? ज़्यादातर कब्रें जो हैं पूर्वजों की तो घर के अंदर जा चुकी हैं, और बाकी कब्रें चबूतरे पे बनी हुई हैं। हम लोगों की भाई मवेशी बन रही है, भाई मतलब नादे हैं, भाई चारे खाने की मवेशी की व्यवस्था है। भाई कोई शिकायत की है? प्रधान को दी गई शिकायत चकबंदी में मौजा था, तो चकबंदी में हम लोगों ने लेखपाल के माध्यम से उसको दर्ज कराने के लिए कई बार कोशिशें की, तब तक हुआ ये कि चकबंदी भी विगत पिछले साल स्टे आ चुकी है, तो अब चकबंदी में भी आस नहीं हम लोगों को कब्रिस्तान किसी दूसरी जगह आवंटित हो जाए। और जब तक नई सरकार सुनती है तब तक हम लोगों की मजबूरी है कि इसी घरों में ही लगाना, अपने दरवाजों के सामने या अपने घरों में या छपरों में जहाँ भी जैसी व्यवस्था होगी वह लगाना पड़ेगा। एक गाँव पड़ता है मोहब्बतपुर, उसमें एक ऐसा मामला संज्ञान में आया है जहाँ पर लोग जब उनके कोई अपना खत्म हो जाता है तो वो अपने घर में ही उनकी डेड बॉडियों को दफना देते हैं। क्या पूरा मामला है, इसमें आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की? इस विषय को हमें ही प्रकाश में लाए थे जब भी वहाँ एक गर्मी हो गई थी, मैं जब यह शोक व्यक्त कर रहा तो मैंने देखा कि वहाँ पर मृतक शरीर को लोग अपने घर में दफना रहे हैं, और भी मैंने देखा कि वहाँ कई कब्रें बनी हुई हैं। उसके बाद मुझे बेहद कष्ट हुआ कि कम से कम आज के सभ्य समाज में, आज के सभ्य समाज में कम से कम इतना गलत कार्य हो रहा है। इसके लिए मैं, मुझे बहुत दिल से कष्ट हुआ, और मैं डीएम साहब से मिला, और डीएम साहब से मिल करके मैंने उनसे कहा है कि हमने कम से कम इस परिवार को और उन लोगों के लिए ज़मीन चिन्हित की जाए, यदि आप ज़मीन चिन्हित करके दे देंगे तो मैं अपनी विधायक निधि से उसमें बाउंड्री आदि की व्यवस्था करके कम से कम इस कलंक को, जहाँ पर लोग आज चंद्रमा पर पहुँचने की बात करते हैं, वहाँ पे कम से कम लोग जो घर में दफन कर रहे हैं, कम से कम ये कलंक हमारे माथे से हटना चाहिए, इसमें मैं आपसे भी अनुरोध करता हूँ। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।